हाय इन्वेस्टमेंट ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज कुछ बहुत अच्छा हुआ है मार्केट में। बहुत दिनों बाद एक ब्राइटनेस दिखाई दी है, और ये अकेला निफ्टी बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई दी, बट बहुत सारे और सेक्टर्स में अच्छा मूवमेंट आया है। एक सेक्टर जो वर्टिकली फॉल कर रहा था, विच वॉज ऑटो सेक्टर, उसमें भी अच्छा सपोर्ट लगा है। तो एक बार सेक्टर्स को हम देख लेते हैं कि क्या एग्जैक्टली हुआ। जो टॉप गेनर था वो था निफ्टी प्राइवेट बैंक, राइट? आपने देखा होगा मैंने एक्सिस बैंक का ट्रेड दिया था। आज है 18 अक्टूबर 2024। आप चैनल पे जाके देख सकते हैं, सुबह अर्ली मॉर्निंग मैंने एक्सिस बैंक का ट्रेड दिया था और इट ब्यूटिफुली ब्लास्टेड। बैंक निफ्टी, अगर आपको याद है, इफ यू बीन फॉलोइंग मी ऑन यूट्यूब, आई एम श्योर आपने नोटिस किया होगा, मैंने बोला था जिस दिन बैंक निफ्टी 52,000 के ऊपर जाएगी उस दिन हम इसको एक पॉजिटिव क्लोज मानेंगे। वी विल बिलीव दैट बैंक निफ्टी हैज काइंड ऑफ रिवर्स्ड। और जो सबसे अच्छी बात हुई है ना, जिसको देख के मेरा दिल बहुत खुश है, वो ये कि निफ्टी जिस स्पीड से गिरी थी, जैसे इसने अपना ये लो ब्रेक करा था, इसने जो क्लोजिंग दी है ना, दैट्स वेरी वेरी रीअश्योरिंग कि मार्केट में बाइंग आ रही है। और उसके चलते क्या हुआ है, मैंने पूरा मार्केट स्कैन किया। ऑलमोस्ट इट टुक मी 3 आवर्स टू स्कैन ईच एंड एवरी कैश स्टॉक, ईच एंड एवरी FNO स्टॉक। 5,000 स्टॉक मैंने स्कैन किए हैं कैश के, और कुछ 200 स्टॉक्स जो भी हैं FNO के ट्रेड किए। और यही मुझे समझ में आ रहा है कि इट्स राइट टाइम टू एंटर इन द मार्केट। अच्छी खासी बाइंग आई है, बट प्लीज़ डोंट कोट मी इफ मार्केट गोज रॉन्ग, क्योंकि मार्केट डायनेमिक्स चेंज हो जाते हैं। आज बाइंग आई थी, कल न्यूज़ आ जाती है, कोई मिडल ईस्ट में कुछ हो जाता है, कुछ और कोई फेडरेट आ जाता है, तो सडनली देर विल बी सेलिंग। अभी FIIs छोड़ के जा रहे थे इंडिया को, चाइना जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे, यहाँ जा रहे थे, वहाँ जा रहे थे, अब सडनली वो आने की कोशिश करें या फिर वापस चले जाने की कोशिश करें, तो कुछ भी चलता रहता है मार्केट में। बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू, व्हेन आई स्कैन द मार्केट आई फाउंड बिल्डअप्स प्रीटी स्ट्रॉन्ग, राइट? कहाँ कहाँ बाइंग आई है, एक तो गोल्ड में बहुत बाइंग आई है, गोल्ड के ETF लोगों ने बाय किए, निफ्टी 50 के ETF लोगों ने बाय किए, निफ्टी के ETF लोगों ने बाय किए, निफ्टी नेक्स्ट 50 के ETF लोगों ने बाय किए। तो यहाँ पे मुझे अच्छी खासी बाइंग आती हुई दिखाई दी है। मैंने कुछ FNO के स्टॉक्स आपके लिए निकाल के रखे हैं, और दिवाली आने में 2 हफ्ते हैं, हो सकता है इन स्टॉक्स में आपको कुछ बढ़िया मूव मिल जाए। अगर आपको समझना है कि कैसे ट्रेडिंग की जाए FNO के स्टॉक्स में, आप जाके मेरा FNO का वीडियो देखिएगा, या तो इससे पहले मिल गया होगा या इसके जस्ट बाद आपको मिल जाएगा बाय संडे इटसेल्फ। तो पहला ट्रेड जिसकी मैं बात करूँगी, जिसको मैंने रडार पे रखा हुआ है, वो है TechM। द स्टॉक दैट आई एम नोटिसिंग राइट नाउ इज TechM। TechM जो है, इसमें आज के दिन आप देखेंगे तो ये काफ़ी समय से लॉन्ग कंसोलिडेशन हुआ है, और आज इसने देखिए यहाँ पे देखिए, ये इसका आज रिजल्ट डे था 18 तारीख। आई डोंट नो वेदर इट हैज़ कम और इट हैजंट कम, आई रियली हैव नो आइडिया, बट व्हाट डू यू थिंक फ्रॉम द प्राइस? मुझे लगता है जिस हिसाब से प्राइस रिजेक्शन है, पीपल हैव अ गुड आइडिया। और दूसरी चीज़ जो मैं नोटिस कर रही हूँ कि प्राइस लगातार धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहा है, तो अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी कुड बी अबाउट 1710। अगर ये 1710 के ऊपर चला जाता है, और इसका कंसोलिडेशन कितने समय का है, ऑलमोस्ट लाइक 2 महीने का कंसोलिडेशन है, तो आप इसमें कम से कम 100-150 पॉइंट्स का मूव ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं आने वाले दिनों में, राइट? सो TechM गोइंग टू बी माई फर्स्ट स्टॉक, योर स्टॉप लॉस इज गोइंग टू बी 1650। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है हिंद कॉपर में भी आज देखिए कंसोलिडेशन जो है, ब्रेकआउट आया है, कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, यहाँ से कंसोलिडेशन ब्रेक हुआ है, बट आई वुड से बाइंग अपॉर्चुनिटी विल ओनली बी, देखो आप लोग मेरी बात सुनते हो, पूरी बात नहीं सुनते हो, आपने हिंद कॉपर सुना और जहाँ मिला वहाँ बाई किया, नो, यू हैव टू बाय ओनली व्हेन इट क्रॉसेस द बैरियर, पास्ट बैरियर, व्हिच इज 328, उसके ऊपर ही आप बाय कर सकते हो, और 333 क्रॉस होने के बाद आपको जो है डोर्स टूवर्ड्स 340-350 ये सारे खुल जाएंगे। आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इसमें 315 के आसपास का, यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। तो ये मेरा दूसरा स्टॉक था हिंद कॉपर, और ये मेरी वॉच लिस्ट है। वॉच लिस्ट मीन्स इनको रडार पे रखिए, जहाँ आपको बिल्डअप्स अच्छे लगते हैं, जहाँ आपको ओपन इंटरेस्ट अच्छा लगता है, जहाँ पे आपको ऑप्शंस, कॉल ऑप्शंस में अनवाइंडिंग दिखाई देती है, उन स्टॉक्स में आप एंट्री ले सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मुझे अच्छा लग रहा है, जिसके फंडामेंटल्स रॉक सॉलिड हैं, दे हैव गॉट अ ह्यूज ऑर्डर बुक राइट नाउ, एंड गिरा है किसी कारणवश, मे बी आई एम नॉट अवेयर व्हाट आर द रीजंस, बट नाउ इट लुक्स टू बी रेडी फॉर एन अप मूव। गिरने के बाद, क्योंकि मार्केट गिरा था, तो ये देखिए आप
प्राइस लगातार ऊपर ही ऊपर जा रहा है, अब हमको अपॉर्चुनिटी इसमें मिलेगी। अब 3600 के ऊपर हम इसमें एक बाइंग की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं और हमारा स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 3500 का स्टॉप लॉस रहेगा, 3600 पे बाय करेंगे और टारगेट्स हमारे रहेंगे 50, 100, 150, 200, 250, 300 पॉइंट्स का। 10% का मूव वन कैन, लेट मी जस्ट सी 10% का मूव पॉसिबल है कि नहीं है, 10% इज़ नॉट पॉसिबल, 100, 150 पॉइंट्स का मूव आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टॉक जो मेरे रडार पे है वो है SBIN। SBIN जो है काफ़ी समय से डेवलप हो रहा है, काफ़ी अच्छे बिल्डअप्स हुए हैं और आज आपने देखा कि जिस हिसाब से निफ्टी प्राइवेट बैंक, निफ्टी PSU banks, all of them have moved। अब ये कंसोलिडेशन जोन आप देखिए, एक ब्रॉड हेड एंड शोल्डर काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। अगर ये स्टॉक 825 के ऊपर जाता है तो आपको इसमें ये 850, 860 तक के टारगेट आते हुए दिखाई देंगे, तो आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ इसमें 800 का, ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 825 से चल के, मतलब यू विल हैव टू कीप शिफ्टिंग योर स्टॉप लॉस राइट। पहली बात, अगर ये 825 या 826 ब्रेक करता है तो आपका स्टॉप लॉस इसमें रहने वाला है केवल 820 का और उसके बाद आपके टारगेट्स रहेंगे 830, 840, 850, 860, ये सारे आपको टारगेट्स इसमें आते हुए दिखाई दे सकते हैं और फाइनल टारगेट आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं अबाउट 870 का। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट स्टॉक मेरे रडार पे है वो है वोल्टास। वोल्टास का यही है कि ये एक अपनी ट्रेंड लाइन को मेंटेन कर रहा है, लगातार इसने आज भी अपनी ट्रेंड लाइन से एक सपोर्ट लिया है। एंड व्हेन यू से कि मैं लाइन खींच खींच के आपको ट्रेड देती हूँ, आई एम सॉरी, इट्स नॉट दैट। अ लॉट ऑफ थिंग्स हैव बीन चेक्ड, यू नो, कि डिलीवरी परसेंटेज क्या है, ओपन इंटरेस्ट क्या है, ऑप्शन डेटा में क्या हो रहा है और किस तरह के ओपन इंटरेस्ट डेवलप हो रहे हैं, किस तरह के वॉल्यूम्स डिप्लॉय हो रहे हैं, वो सारी चीज़ें चेक की गई हैं, उसके बाद ही आपके साथ इसका डिस्कशन हुआ है। तो आप इसमें जो बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढ सकते हैं वो ढूंढ सकते हैं अबव 1870। पहला टारगेट आपको यही मिलेगा जहाँ पे ओपन इक्वल टू हाई कैंडल है 1890 का और ये क्रॉस हो जाता है तो आपको टारगेट मिलेगा 1934 राइट। सो वोल्टास को ध्यान में रख सकते हैं, आपका स्टॉप लॉस रहने वाला है कुछ 840 का और टारगेट रहने वाला है 1934 का। फिर उसके बाद दो स्टॉक्स और हैं, इनको रडार पे ज़रूर रखिएगा। तो पहला स्टॉक है NTPC, मतलब नेक्स्ट स्टॉक है NTPC। NTPC ने क्या किया है, बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट्स हुए हैं और ये स्टॉक मुझे ऐसा लगता है कि अगर पास्ट बैरियर्स को ब्रेक करेगा, पास्ट बैरियर कहाँ पे, 430 पे है, 430 पे अगर ब्रेक करेगा तो आपको इसमें 440, 445, 450 के टारगेट्स आते हुए दिखाई देंगे, आपका स्टॉप लॉस रहेगा कुछ 425 का। और लास्ट स्टॉक जो मैं अपने रडार पे रखने वाली हूँ उसका नाम है सिंजीन राइट, सिंजीन इंटरनेशनल लिमिटेड। एनीवे इसका स्ट्रक्चर इतना बढ़िया नहीं है तो आई विल बी इग्नोरिंग इट राइट नाउ, तो लेट मी जस्ट रीटरेट। हाँ, जो बेस्ट स्टॉक है वो रह गया एन में, अरे ये कैसे हो गया, HDFC लाइफ राइट, ये बेस्ट स्टॉक है, दिस इज द बेस्ट स्टॉक दैट आई कुड सी। आप इसको इसमें बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं अबव 747 पे आप बाय कर सकते हैं, स्टॉप लॉस रहेगा 737 का, 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट आपका 10 ही पॉइंट का रहेगा और अगर वो क्रॉस हो जाता है तो फिर आपको 770, 780, 790, 800 तक के टारगेट आते हुए दिखाई दे जाएंगे नेक्स्ट टू मंथ्स में। ये फ्यूचर्स का स्टॉक है, अगर आप फ्यूचर लॉट लेते हैं तो थोड़ा लंबा कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं और अगर कैश में ट्रेड करते हैं तो देयर इज नथिंग लाइक इट। सो ये पूरी लिस्ट मैं एक बार से रिपीट कर देती हूँ, HDFC लाइफ, हिंद कॉपर, L&T, SBIN, वोल्टास, टेकम, सिंजीन एंड NTPC। रडार पे रखिए, आई एम श्योर एक महीने में आपको ज़बरदस्त मूवमेंट्स मिलेंगे इन सारे स्टॉक्स में। विद दिस आई विल बी साइनिंग ऑफ, आपको मेरा काम अच्छा लगता है तो थम्स अप दीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट बनता है, 100% बनता है। ये मेरा वीडियो आपको शेयर करना है लोगों के साथ और उनको जो आप मेरे वीडियोज़ आपको अच्छे लगते हैं, जैसे मैंने किलिंग इनसाइट कैनल के बारे में एक वीडियो बनाया था, जो भी ऐसे मैं वीडियो बनाती हूँ एजुकेटिव, आप शेयर करिए लोगों के साथ, मोर एंड मोर पीपल शुड बी कनेक्टेड बिकॉज देयर इज अ स्पेस जहाँ केवल आपको व्यू लेके आना है कि आप बाय करोगे कि सेल करोगे, देयर इज इनफाइनाइट मनी, आप जितना निकालोगे उतना और इसमें आता जाएगा, नए नए ट्रेडर इन्वेस्टर रोज आएंगे। बट अगर आपका व्यू गलत आ जाता है तो आप जीरो पैसा कर दोगे अपना। अगर आपको अपना करेक्ट व्यू बनाना है तो आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा, उनको सही तरीका बताइए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने का, पैसा बनाने का। लेट्स टेक दैट
step together and collectively we'll make India financially free. All the best, take care.